बेगम करती रही टैलेंट शो में सुपर से भी ऊपर, बेगम करती रही टैलेंट शो में सुपर से भी ऊपर, वहीं वीकेंड्स में मड आइलैंड वाले बंगले में शौहर कर रहे थे कपड़े नीचे से भी नीचे और ऊपर से भी ऊपर। हाय गाइस, मैं शांतनु और लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, कहाँ है लिंक? लिंक यहाँ है और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस, यस्टरडे इज द टुमारो, ऑन अ वेरी शॉर्ट टटे शॉर्ट नोटिस आया मुटलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज के पास एक ऐसा केस जो बिल्कुल भी सरप्राइजिंगली पेचीदा था ही नहीं। यहां पर देखे जाने वाली चीज ये है कि जिस हिसाब से इस केस में चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, ये केस रहा ही नहीं, इनफैक्ट ये बन चुका है एक एडवेंचर। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस एडवेंचर को एक बड़ा ही अप्रोप्रिएट नाम दिया है, नॉटी कुंद्रा और चौदम पट्टी की कहानियां। मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि भैया, जब तुम्हारा नेटवर्थ नियरली राउंड अबाउट 300 से 500 मिलियन के बीच में हो और वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल बॉलीवुड लेडीज तुम्हारी गृहिणी हो, तो तुम्हारे को ऐसा क्या हो सकता है कि तुम ये काम करोगे? बट देन जो क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछ रहा था, उसका आंसर तो मेरे सामने था। ये संभोग का रोग है लाला, कभी भी कहीं भी कैसे भी लग जाता है। भैया की केस की बात तो हर कोई कर ही रहा है, बट व्हाट अबाउट द स्टुपेंडसली वाहियात एंड जाहिल डिग्रेड सॉफ्ट पॉर्न मूवीज दैट कुंद्रा एंड हिज क्रू एक्चुअली प्रोड्यूस्ड? तुम्हारी कमी को पूरा कर सकूं। So being a very responsible, inquisitive and curious citizen of Mutland, मैं अपने इरिक्शन अबिलिटी को दाव पे रखे, हथेली पे रखे उतरा नॉटी कुंद्रा की डी ग्रेड सॉफ्ट पॉर्न ऐप यानी हॉट शॉट्स में, और वहां से हैंड पिक करके लाया मैं एक ऐसा अश्लील चलचित्र जिसको देखने के बाद आप मनी मन कुंद्रा से कहोगे, ये तूने जो इतने बड़े टट्टे शॉट कराए हैं अपने, वो ये सब ये नॉटी सीमा पूरी बनाने के लिए? तो नॉटी कुंद्रा इन एसोसिएशन विद बैंगिंग बंटाई बॉयज की पेशकश का नाम है राज टैरेंटिनो स्पीलबर्ग कुंद्रा की आर्ट हाउस साइफाई लंगोट में विस्फोट क्रिएशंस में हैं कुछ ऐसी मॉडल्स जमुना पार की जिनके पास है माइंड रीडिंग कैपेबिलिटीज। तू तो गंद है, हमेशा मेरे लेने के चक्कर में रहता है, तू भी लेना चाहता है। संभोग की चकाचौंध में चुदियाए हुए ऐसे लौंडे जो आप देखते हैं नताब, बस मौका मिलते ही चटका देते हैं अपना गन्ना। बस बस, न जगह देखते हो न मूड, कहीं भी शुरू हो जाते हो। और पति गुजर जाने के गम में दुखी और डिप्रेस्ड ये हेल्दी भौजाइयां। So guys, for obvious reasons, family नाम की इस पिक्चर में स्टोरी का लंडा पता नहीं है। तो भैया, एस्ट्रोफिजिक्स इन द इंसेप्शन ऑफ द इंटरस्टेलर इन द मल्टी डायमेंशनल टाइम ट्रैवल पर ये जो पिक्चर बेस्ड है, जितनी मेरे पल्ले पड़ी उसकी स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। तो भैया, पिक्चर शुरू होती है और इंट्रोडक्शन होती है एक अधबगली सी लड़की की, जिसने अपने हाथ में अपने स्वर्गवासी पिताजी की तस्वीर ले रखी होती है और वो उसी तस्वीर से पंचर इंग्लिश और चेन उतरी ग्रामर में अंडसड की बातें चोद रही होती है। Please, पापा। बहन चो ऐसी गंदी एक्टिंग देख के तो उसका बाप भी कहे कि यार तू रख देना यार मेरी तस्वीर को अलमारी के अंदर। फिर कट लगता है, सीन चेंज होता है और इंट्रोडक्शन होती है एक बहुत ही हेल्दी भौजाई की, जो बिचारी बहुत ज्यादा दुखी है, काफी ज्यादा दुखी है, और वो बात कर रही होती है अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर से। तुम आज हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा ट्रस्ट हमेशा मेरे साथ है। एंड माइंड यू गाइज, ये फूटी किस्मत वाला स्वर्गवासी आदमी वही है जो अभी उस अधबगली लड़की से लैटिन में अंग्रेजी सुन रहा था 10 मिनट पहले। और फिर जब ये हट्टी कट्टी भौजाई अपने स्वर्गवासी पति की पिक्चर से बात कर रही होती हैं, इनकी कमर पीछे से आके जकड़ लेता है गेस हु इस पिक्चर का हीरो, जिसका नाम है चुसेडू सतीश। जैसे मेरे लिए तुम थे, वैसे अनिल भी आज मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब चुसेडू सतीश एक काफी फोकस्ड और करियर ओरिएंटेड आदमी है और उसके दिमाग में उसका गोल काफी क्लियर है, और वो गोल ये है कि भौजाई का कब रोना पीटना बंद हो, इनको बेडरूम में लेके जाया जाए और शुरू करी जाए उसकी अपनी स्कूटी की ऑटो एक्सपो। तुम्हारी बीबी की यही अदाएं तो मुझे इसका दीवाना बनाती है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बन सकूं, तुम्हारी कमी को पूरा कर सकूं। फिर चुसेडू सतीश और हेल्दी भौजाई बड़ी ही मासूम सी कडलिंग करते हैं और दोनों आ जाते हैं मूड में, और भौजाई को याद आता है कि भैया मैं तो अपने पति को मिस कर रही थी, तो वो अपने पति की तरफ दोबारा पलटती हैं और फिर उनसे कहती हैं, ओके आई कम बैक एंड मिस यू अगेन आफ्टर हाफ एन आवर, पहले मैं चुसेडू सतीश के साथ बाउंस बेबी बाउंस खेला हूं थोड़ा। न जगह देखते हो न मूड, कहीं भी शुरू हो जाते हो। और फिर आता है वही सीन, तुम्हें पता है कौन सा सीन? चप्पल के नीचे चिपके गोबर जैसे संभोग सीन, जिसमें लॉन्डो ने पहने होते हैं 21 रुपए के झोंकी के कच्छे और लड़कियों ने बुध बाजार से खरीदी हुई लिंगरी। रे कुंद्रा, ये क्या गांड में खारिज कर रखी है यार। और फिर ये पिक्चर ले लेती है एक बहुत ही थ्रिलिंग टर्न, क्योंकि हेल्दी भौजाई की अधपगली बेटी का अता पता नहीं होता, पता नहीं वो कहां है, घर आने वाली है कहां है, क्या होगा।
लेकिन उसने मुझे आज एक कॉल भी नहीं किया। ओह माय गॉड, व्हाट ए सस्पेंस, आई एम बाइट माय नेल सो हार्ड। पता नहीं क्या बात हो सकती है, अब क्या होगा, व्हाट इज हैपन। तो इस इंटेंस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए संभोगी बायोकेमिस्ट यानी चुसेडू सतीश, जिसको लंड का फर्क नहीं पड़ता कि हेल्दी हो जाएगी अध पगली लौंडिया है, कहां वो घर आएगी नहीं आएगी, कहां है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चद्दर गंदी करने आया था, वो उसने कर दी, बट फिर भी बीइंग अ जेंटलमैन वो कहता है, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है तो अपने फ्रेंड के साथ होगी वो, और वैसे भी सौम्या बड़ी हो चुकी है, उसका भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा ही। और फिर आता है कुंद्रा की इस कथा में एक और जानलेवा ट्विस्ट। नहीं, सोमिया ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो सिर्फ एक ही मर्द से प्यार करती है और वो है उसके पापा। अपने पापा से प्यार, अपने पापा से प्यार, अपने पापा से प्यार। ओह माय गॉड, व्हाट ए टर्न, व्हाट ए सस्पेंस, यू टर्न इन स्टोरी, ये तो इंसेस्टुअस लड़की निकली। मुझे कोई नहीं चाहिए पापा, आई रियली लव यू पापा। और फिर जब इस पिक्चर में चौदम पट्टी के सीन से ज्यादा डायलॉग आने लगते हैं तो एंट्री होती है सेट पर कुंद्रा जी की। ए डायरेक्टर इधर, ये इतने डायलॉग क्यों बोल रहे हैं ये दोनों, बागबान है ये, प्रेम रतन धन पायो का सीक्वल बना रहा हूं मैं। अबे डायरेक्टर एक बात समझ ले, ये हम साथ साथ है नहीं है, ये हम एक दूसरे के ऊपर है, समझा, तो उसी हिसाब से काम करा उन्हें, चला डायलॉग बुलवा रहा है। तो यहीं से इस पिक्चर में डायलॉग आधे, ठोका पीटी का सीन डबल, और भौजाई चुसेड़ू सतीश को कहती है कि बेटा मेरी बेटी घर आने वाली है तो जल्दी से एक काम करो, रजाई में घुसो, एक फ्री स्टाइल का लैप और लगा लेते हैं। पता नहीं दोबारा मौका कब मिलेगा, एक बार और हो जाए। तो भैया 10-12 मिनट की नाक में अटके हुए चूहे जैसी पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा कि कुंद्रा को एक लेटर लिखना चाहिए, और तभी मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, मैं उन सारे लौंडों की तरफ से तुम्हें बोल रहा हूँ राज, जिनकी रातें तुम्हारे सुरमई अश्लील चलचित्र देखकर कटती थी। अरे लिंगराज, पॉन प्रोड्यूस करा वो ठीक है, पर मंदबुद्धि एक बार ये तो सोच लेता कि अगर पकड़ा गया तो ऐप बंद हो जाएगी। अब हो गई बंद, 6-6 महीने का सब्सक्रिप्शन खराब हो रखा है लौंडों का, अब तेरे चक्कर में बाकी की जो ऐप चल रही थी उनको भी घोड़ी बना लेगी पुलिस। कटा किसका, हम सब का, सब्सक्रिप्शन में इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी VPN लगाकर सहलाना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स नॉट योर्स टिल द टाइम योर ऐप कम्स बैक और आर मनी इज रिफंडेड इंडियन ऑडियंसेस। तो सतीश और भौजाई की पलंग तोड़ पार्टी के बीचों बीच घंटी बजती है घर की, और पता लगता है कि भौजाई की अधपगली बेटी घर आ गई है। अब भौजाई की फटके चार हो जाती है क्योंकि बेटी ने तो रंगे हाथों पकड़ लिया, और बेटी उनको देखते ही कहती है, मामा लुक एट यू, आपका चेहरा तो देखने लायक हो गया है। हाँ लुक एट यू क्या, अभी तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले सतीश स्पेशल फेशियल करा रही थी मम्मी, तभी तो फेस ग्लो कर रहा है। फिर चुसेड़ू सतीश एक बड़ा ही जाल बुनता है और दोस्त बना लेता है अधपगली लड़की को। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अंकल, आप मेरी मम्मा की इतनी मदद करते हो बिजनेस में। अरे तुम्हें कुछ ना पता लौंडिया, क्या बिजनेस चल रहा है इसका, रेनोवेशन का। फिर पूरे 27 रुपए में एडिट हुई ये पिक्चर में, एडिटर बिना सोचे समझे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन लगा देता है एक सीन के बीच में इंटरकट। वैसे देखा जाए दिमाग लड़ाया है उसने, उसको भी पता है कि बहनचोद लोगों ने आगे आगे करके सीन देखने हैं, अपनी पतंग उड़ानी है और फिर लैपटॉप बंद करके बेहोशी में सो जाना है। गलती से फिर एक दो डायलॉग ज्यादा हो जाते हैं इस पिक्चर के अंदर, और फिर से एंट्री हो जाती है कुंद्रा जी की सेट के ऊपर। ओ डायरेक्टर, गांड फटी के वुडी एलन, इधर आ, तेरे को पहले भी बोला मैंने, साले इतने डायलॉग क्यों बुलवा रहा है इनसे, चल ठोका पीटी पे लगवा इनको, और उसको बोल दियो कि वो यूके वाली कंपनी से अपलोड होने चाहिए सारे, यहां से अपलोड नहीं होने चाहिए। साले पुलिस ने पकड़ लिया ना बर्फ की सिल्ली पे, औंधे मुंह लिटा के पेलेगी तेरे को मेरे को। कट्टू वही घुसल खाने जैसे गंदे दर्दनाक आंखों में चुंधिया देने वाले संभोग सीन्स। मैं तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। तो भैया इस पिक्चर में लास्ट में क्या होता है ये तो मुझे घंटे का नहीं पता, क्योंकि वहां तक तो मैं पहुंच पाया नहीं, समझ रहे ना आप। और हाँ, ये नॉटी कुंद्रा के आर्ट हाउस स्टूडियो से एक लौती पिक्चर नहीं है, इनके पास पूरा रोस्टर है। एक पिक्चर है लॉकडाउन में संभोग के त्रिकोण के बारे में। तो आज तुम दोनों मेरी लेके रहोगे, तो एक पिक्चर है संभोग भक्षी सीक्रेट एजेंट के बारे में। सेवा तो मैं तुमसे बाद में करवाऊंगी। और कुछ दिल को गुदगुदा देने वाली गुमे हुए कंडोम के बारे में कहानियां। कुछ एक्ट्रेसेस ने उनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगाए हैं कि उन्होंने जबरदस्ती उनसे ये करवाया था झांसे में लेकर, अगर ये सही प्रूव हो जाता है तो भैया उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूनम पांडे भी इस केस के अंदर अपीयर हो चुकी हैं, और उनका कहना है कि भैया मैंने ये कांड होने से पहले FIR दर्ज कराया था, बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर उन्होंने ये कांड होने से पहले FIR दर्ज कराया था तो वो तब मीडिया के पास क्यों नहीं गई, क्या उनके ऊपर राजकुंद्रा और राजकुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस से प्रेशर था, या फिर वो अभी
जब राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए हैं आके क्लाउड चेज करने की कोशिश कर रही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन ही आगे बताएगी। और शर्लिन चोपड़ा जो 30-30, 40-40 लाख पर प्रोजेक्ट के लेती रही कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस से, वो भी यही कह रही है कि भैया कुंद्रा ने उनको जबरन इसके अंदर पुश कर दिया पॉर्न इंडस्ट्री में। पर क्या ये एलिगेशन सच है नहीं है ये भी हमें बाद में पता चलेगा। एक बात और सोचने वाली ये है कि भैया पॉर्न बैन करने से होगा क्या? पहले जब तुमने नेशन वाइड पॉर्न बैन किया था तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लॉकडाउन में इनफैक्ट थ्रू द रूफ चले गए सारे स्टैटिस्टिक्स, पॉर्न कंजम्पशन इंडिया में थ्रू द रूफ चली गई थी उस दौरान, अभी भी हर कोई मिरर डोमेन लगा के पॉर्न देखता ही है। तो क्या ये वेब सीरीज को कल करने से, ये सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री को बंद करने से या फिर इसको हेवीली रेगुलेट करने से क्या कुछ बन पड़ने वाला है? तो भैया ये थी नॉटी कुंद्रा और चौदम पट्टी की कहानियों का रिव्यू। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, साथ ही साथ मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाओ और मुंह बंद करो, पेंट से हाथ निकालो। गुड बाय, टाटा। तुम्हें पता है कौन सा सीन?